आज आपको मैं ये बोलेरो का टायर खोलूँगा बीट ब्रेकर से और ये हैम्बर ब्रेकर से। इसमें बताऊँगा कि मैंने क्या चीज़ की चेंजिंग की है और क्या चीज़ इसमें सावधानी रखनी चाहिए, इस बीट ब्रेकर को यूज करने के लिए और किस में इसको लगाना चाहिए। चलो काम करते हैं शुरू। ये बीट ब्रेकर देखो, इसमें तो इजीली इसे लग जाएगा। ये देखो इस वाले में, क्योंकि इसका ज़्यादा उठा हुआ नहीं है ये बीच का हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये ज़्यादा उठा हुआ था तो हमने इस चीज़ को घिस दिया। ये ज़्यादा उठा हुआ था और इससे भी उठा हुआ एक आता है, वो अभी फ़िलहाल में हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसको घिस दिया। ये मैंने इतना मोटा, ये था मतलब जितनी लेंथ इसकी है ये मोटी, इतना मोटा ये हिस्सा भी था, इतना था करीब, तो मैंने इसको इतना घिस दिया है। देखो घिसा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये देखो कितना कम हो गया है, मतलब इतना ही मोटा था ये, इसको मैंने घिस के, मतलब ये बोलेरो में, ट्रैक्टर में, जेसीबी के टायर में, क्रेन के टायर में आसानी से लग जाएगा। पहले इसमें नहीं लग पाता, इसमें लग जाता था, इस वाले में नहीं लगता था, टाटा इसमें नहीं लगता था, अब ये हर एक गाड़ियों में लग जाएगा जिसमें थोड़ी ताकत लगती हो खोलने में। बाकी इस बीट ब्रेकर को और इस इधर दिखा, इस हैमर वाली ब्रेकर को एलुमिनियम के रिम पे कभी इस्तेमाल मत करना, इससे तो गलती सी थोड़ी सी भी हो जाएगी तो रिम तो टूट जाएगा इस वाले से, और इस वाले से अगर टूटता नहीं है, अगर बहुत ध्यान दोगे तो टूटेगा नहीं, तो दाग तो ज़रूर आ जाएगा रिम के अंदर या बैंड हो जाएगा, और टूटने का चांसेस तो पूरे ही होते हैं। तो आपको इस बीट ब्रेकर को एलुमिनियम वाले रिम पे इस्तेमाल कभी नहीं करना, अलॉय व्हील पे कभी इस्तेमाल मत करना। बाकी मैं अब इसको खोलूँगा, इसको इसको खोलने से पहले यहाँ पे में लिक्विड में एक ही बार इसको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करो। Thank you.
से अगर रेगुलर खोलना चाहोगे तो इसमें हवा की वेस्टिंग ज़्यादा है, तो इस हैम्बर का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये लूज हो गया, अगर इसकी जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।